सभी जानते होंगे, जो पीने वाले बंधु हैं, जहां लोग सुरा पान करते होंगे वहां तो रह लेना, स्त्रियां जहां लंपट लोग रहते होंगे वहां रह लेना, सुना नान हिंसा जहां कहीं हिंसा होती होगी वहां तू मेरे राज्य में रह लेना। तो महाराज जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां कलिकाल कपट के रूप में रहता है, जहां सुरापान करते हैं वहां अभिमान के रूप में रहता है। इस तरह चार स्थान बताया, जहां चार जगह रह लेना। महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया था कि ये चारों चीजें हमारे राज्य में है ही नहीं, तो ये रहेगा कहां से। जा कलयुग ने कहा सरकार बिल्कुल मैं जैसा हूं, मेरे स्वभाव के अनुरूप आपने मुझको रहने का स्थान दिया है, बिल्कुल बहुत सुंदर न्याय किया है आपने, पर सरकार आपने मेरी बुराई जानी है आज तक, मेरे अंदर एक आध अच्छाई भी है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। परीक्षित महाराज ने कहा तेरे अंदर अच्छाई भी कोई है? कलयुग ने कहा सरकार मेरे अंदर तो वो अच्छाई है कि उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए सतयुग में लोग महाराज मनु और देवी सतरूपा जैसी जब तपस्या करेंगे तब सतयुग में भगवान मिलते थे। 10,000 वर्ष तक एक पांव पर खड़े रह गए और तपस्या करते करते शरीर को इतना तपाया, इतना गलाया कि अस्थि मात्र हो रहे शरीरा तदप मनागमने नहीं पीरा। शरीर में केवल हड्डी और चमड़ी बची हुई है भगवान को रिझाने के लिए। जब इस तरह से कोई तपस्या करता था तब सतयुग में अपना कल्याण कर पाता था। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता हुई, महाराज वशिष्ठ जैसा यजमान और श्रृंगी ऋषि जैसा आचार्य जब होता था तब प्रगटे अग्निचरु कर लीने, तब जाकर के जीव का कल्याण होता था। महाराज द्वापर में जब कोई कर्ण की तरह दान देता था तब उसकी सदगति होती थी। कर्ण कैसा दानी था? दो दानी अपने इस धराधाम पे हुए हैं, एक महाराज हरिश्चंद और दूसरा है कर्ण। कल मैं बता रहा था ना कि वैराग्य एक सहज वैराग्य है और एक परिस्थिति का वैराग्य है। महाराज हरिश्चंद दान शिरोमण कहे जाते हैं, लेकिन कर्ण दानवीर कहा जाता है, दानवीर कर्ण। दोनों ने दान दिया है, महाराज हरिश्चंद ने भी और कर्ण ने भी। महाराज हरिश्चंद के पास परिस्थिति का दान था, स्वप्न में संकल्प कर दिया तो पूरा कैसे ना करें। लेकिन कर्ण, महाभारत युद्ध चल रहा है, केशव अर्जुन के सारथी हैं, सामने कर्ण है, अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध चल रहा है, लेकिन कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर भगवान के मुंह से निकल जा रहा है वारे कर्ण। अर्जुन को बात अच्छी नहीं लगती, सरकार सारथी आप मेरे हो, मनोबल मेरा बढ़ाना चाहिए। कन्हैया ने कहा क्या बताऊं अर्जुन, कर्ण ऐसा है ही। अंत में अर्जुन के द्वारा कर्ण के रोम रोम में बाण बिध गया है, रथ से गिर गया है, प्राण अब निकले कि तब निकले। अर्जुन का रथ केशव शिविर में लेकर के गए, लेकिन अर्जुन से कहा अर्जुन तू तो आज युद्ध में पूछ रहा था कर्ण के बारे में, चल दिखाऊं कि कर्ण है कैसा है। ब्राह्मण का वेश बना दिया, अर्जुन का स्वयं ब्राह्मण का वेश बना लिया और जहां सम्रांगण में कर्ण एक एक क्षण प्रतीक्षारत था कि अब प्राण निकले कि तब, इतने में सामने दो ब्राह्मण आ गए और आवाज लगा दिया दानवीर कर्ण की जय हो। कर्ण ने आंख खोला, सोचा आज तक कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ गया नहीं है, लगता है अंतिम क्षणों में
ये संकल्प टूट जाएगा। कर्ण ने कहा, सरकार ब्राह्मण देवता, आज तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण बने भगवान ने कर्ण से कहा, तो तू एक बार अपने मुंह से कह दे कि मैं जाऊं। तब तक कर्ण को एक बात याद आ गई, कर्ण के दांत में सोने लगे हुए थे। प्रसन्न हो गया, दृष्टि गई जहां भगवान खड़े थे, उनके पैरों के पास एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। कर्ण ने भगवान से प्रार्थना किया, सरकार मुझसे तो हिला नहीं जा रहा है, कृपा करके आप मेरे इन दांतों को तोड़ लीजिए। भगवान ने कहा, मैं कोई कसाई थोड़ी, अगर तुझे दान देना है तो अपने दांतों को तू स्वयं तोड़ करके मुझको दे, हिला तो जा नहीं रहा, रोम रोम में बाण विदा हुआ है। पत्थर के टुकड़े पर दृष्टि गई तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता कृपा करके उस पत्थर के टुकड़े को अपने चरणों से मेरे पास थोड़ा मेरे सन्निकट कर दीजिए। ब्राह्मण देवता बने भगवान ने कहा, कोई सहायता मैं तुम्हारी नहीं करूंगा। महाराज किसी तरह घिसटते हुए कर्ण उस पत्थर के टुकड़े के पास जाता है, बाएं हाथ से पत्थर का टुकड़ा उठाता है, दांतों को तोड़ता है, दाहिने हाथ पे उन दांतों को रोकता है। दानवीर का विशेषण ऐसे नहीं लिया है कर्ण ने। एक दांत जो कभी दर्द करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सुन्न का इंजेक्शन लगा के निकालता है, फिर भी कराह उठते हैं, कल्पना कीजिए। बाएं हाथों से पत्थर से दांतों पे मारता है, इस तरह सारे दांत तोड़ लिए, रोम रोम में बाण विदा हुआ है। अब तो चेहरा भी विभत्स हो गया है, अब तो बोला भी नहीं गया, भगवान की तरफ बढ़ा दिया हाथ। परीक्षा जब वो लेते हैं ना तो बहुत आखिरी तक लेते हैं। कहा, कर्ण ये झूठा है, अगर देना है तो इसे धो करके दे। कर्ण ने देखा, थोड़ी दूर पर धनुष पड़ी थी, किसी तरह से घिसक के उस धनुष को उठाया, थोड़ी दूर पे तरकस पड़ा था, उसमें से एक बाण निकाला, पांव में फंसाया धनुष, एक हाथ में तो दांत है बाण देने के लिए, पांव में फंसाया, धरती की तरफ करके बाण छोड़ दिया, गंगा की धारा निकली, उसमें धो करके उस दान को जब भगवान की तरफ बढ़ाया तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ये स्थान हमारे यहां कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में इस तरह से लोग दान देते थे तब भगवान उनको मिलते थे। सतयुग में महाराज मरु और सतरूपा की तरह तपस्या करते थे। महाराज परीक्षित ने कहा, तू कहना क्या चाहता है? कलिकाल ने कहा, महाराज मेरी सबसे बड़ी एक विशेषता मैं आपको बता रहा हूं कि ना तो तपस्या करने की जरूरत है मेरे युग में, ना यज्ञ करने की जरूरत है, ना कर्ण की तरह दान देने की जरूरत है, बल्कि कलयुग के सरलता, इतनी छूट मेरे कारण जीवों को मिल जा रही है।
कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते हर काम करते रहो, नाम जपते रहो, बस जीव का कल्याण हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने जब कलयुग के इस गुण को सुना तो महाराज परीक्षित कलयुग के इस गुण पर रुझ गए। कहा वाह भाई, तो तेरी ये बड़ी अच्छी विशेषता है। और जब कलिकाल ने देखा कि महाराज इस समय मेरे गुण पर रीझे हुए हैं, तो कहा सरकार चार स्थान तो आपने बड़ा सुंदर मेरे लायक बिल्कुल बताया रहने का, लेकिन एक ही मेरे अंदर जो गुण है, तो एक कोई स्थान हमको बढ़िया सा दे दीजिए थोड़ा मेरे गुण के हिसाब से। अब चूंकि महाराज परीक्षित उसके गुण पे रीझे हुए थे, जाने निकल गया मुंह से कि जा कलयुग तू स्वर्ण में भी रह ले, सोना भी तुझको मैं दे रहा हूं। अब देखो जी, इसीलिए एकादश स्कंध में गुण दोष को परिभाषित करते हुए कन्हैया ने उद्धव से कहा था कि सबसे बड़ा गुण व्यक्ति का ये होना चाहिए कि गुण दोष त्रसिल दोषा गुणस्तु है वर्जिता, किसी के ना गुण को देखो ना दोष को देखो। अगर इस सूत्र का पालन किया होता महाराज परीक्षित ने, तो कलिकाल के इस गुण पर ना रिझते, और अगर ना रिझते तो जो आने वाला संकट है शायद सामने ना आता। तो शास्त्रों में जो हमारे लिए नियम बनाए हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, उस नियम पर चलते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। अब कलिकाल के गुण पर रिझ गए, सोने में बास दे दिया कलयुग को। फिर संतों ने व्यास जी से पूछा, बाबा आप कह रहे हो कि सोने में वास कलयुग का हो गया, लेकिन गीता में कन्हैया स्वयं कहते हैं धातु नाम आस्मि कंचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो सोने में भगवान का भी वास है और फिर सोने में कलयुग का भी वास, ये बात कैसे हजम हो रही है? तो व्यास जी ने फिर इसका निराकरण किया, कहा देखो जो सात्विक शुद्ध रूप से कमाया हुआ धन है, मेहनत का कमाया हुआ स्वर्ण है, उसमें तो हमारे ठाकुर जी का वास रहेगा, लेकिन जो कुरीति से कमाया हुआ धन है, जबरदस्ती कमाया हुआ चोरी का बेईमानी का सोना है, उसमें कलयुग का वास रहेगा। अब प्रश्न उठा कि जब कलिकाल सोने में वास करता है, महाराज परीक्षित के सर पे जो मुकुट था सोने का था, तुरंत उसमें जाकर के वो विराज जाता है। अब वो मुकुट, अभी कुछ देर पहले आपने श्रवण किया कि राजकोष में रखा हुआ वो मुकुट वास्तव में जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध को मारा, तो मारने के बाद उसका मुकुट उठाया, महाराज युधिष्ठिर ने कहा भीम ये क्या कर रहे हो, ये कुरीति से कमाया हुआ धन है, हिंसा से कमाया हुआ स्वर्ण है। युधिष्ठिर महाराज से भीम ने कहा भैया इसको हम प्रयोग में नहीं लाएंगे, लेकिन इसको ले चल रहे राजकोष में रख देंगे कि हमारे आने वाले पूर्वज पुत्र पौत्रादि सभी ये सोचेंगे कि हमारे पूर्वज कितने बलवान थे कि जिन्होंने जरासंध जैसे महारथी को मारा। प्रयोग जाने दीजिए महाराज, अगर घर में ले आओगे तो कभी ना कभी वो हानि पहुंचाएगा। आज वही जरासंध का मुकुट भीम ना लाए होते तो महाराज परीक्षित के सामने ये समस्या ना आती। अजी मुकुट में विराज गया कलयुग, राजा की मति को घुमा दिया। जो महाराज साधु संतों की सेवा के लिए वेश बदल बदल कर जाया करते थे, घोड़े पर बैठे, अब अहम ने घेर लिया। जा रहे थे रास्ते में प्यास लगी, शमीक ऋषि का आश्रम देखा, सीधे घोड़े से आश्रम के अंदर चले गए। आवाज दिया है कोई, महात्मा जी शमीक ऋषि भगवान के ध्यान में बैठे थे। महाराज परीक्षित घोड़े से नीचे उतरे और जब महाराज शमीक को ध्यान में बैठे देखा, तो विचार करने लगे कि ये पाखंडी महात्मा है और ये जानता है कि मेरे राजा आया हुआ है, इसकी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए पाखंड अपनी आंखें
इसलिए है कि नकल बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। महाराज परीक्षित ने धनुष की कोटी से उठा करके समीक ऋषि के गले में लपेट दिया, पर महात्मा असली समाधि असली कोई फर्क नहीं। महाराज परीक्षित तो चले गए। एक दिन में और बता रहा था कि साधु की पहचान हमें बहुत अच्छे दृष्टि से करनी चाहिए। आ गए और मुक्त कंठ बोलता जब जोर जोर से देखते हुए अपने पुत्र समीक ऋषि ने अपने पुत्र सिंगी को देखा तो आंखें खुली, गले में मरा सर्प देखा, उतार के फेंक दिया कि किसी ने मखौल किया होगा। और जब बेटे से रोने का कारण पूछा तो बालक तो न बोल सका भावावेश के कारण, लेकिन अन्य साथियों ने उस बालक की बताया कि महाराज आपका अपमान देख करके, और इन्होंने उसे शाप भी दे दिया जिसने आपका ये अपमान किया है। आय हाय, समीक ऋषि ने जब ये सुना कि बेटे ने परीक्षित जैसे राजा को शाप दे दिया है, करुणा से भर गए, बेटा तूने ये क्या किया, भगवान के उस भक्त को तुमने शाप दिया कि जिसकी रक्षा के लिए देवी उत्तरा के गर्भ में वो जाकर के अपने उस भक्त की रक्षा करते हैं। अरे परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को तुमने शाप दिया। बेटे एक संत को ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस संसार को परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा नहीं मिलेगा। अब आने वाले पीढ़ियों में तो सभी का धर्म से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, सभी धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे। और जब राजा में धर्म नहीं रहेगा तो प्रजा में कहां से धर्म होगा, प्रजा में वर्ण संकरता फैल जाएगी बेटे, और इन सब का कारण तू बनेगा। पर अब तो ब्रह्मवाक्य निकल चुका है। एक एक अपने गौरमुख नामक एक शिष्य को बुलाया और महाराज परीक्षित को संदेशा भिजवा दिया, बेटा जाकर के महाराज परीक्षित को बोल दो उसे 7 दिन में मरने का शाप मिल गया है, हो सके तो अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ले। ब्राह्मण जाता है और इधर महाराज परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे और उस मुकुट को उतारा तो दिन में बीती सारी घटनाएं याद आई, मूर्छित हो गए। एक संत का अपमान हो गया मुझसे, अभी इस वेदना में इस पीड़ा से कराह ही रहे थे कि तब तक वो ब्राह्मण बालक आया। उस ब्राह्मण बालक को देख करके महाराज ने प्रणाम किया। उस ब्राह्मण बालक ने सारी बात बताई, महाराज आपको 7 दिन में मरने का शाप मिला है, गुरुदेव ने संदेशा दिया है कि अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लो। महाराज परीक्षित उस नन्हे से ब्राह्मण बालक के चरणों में लेट गए, महाराज मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, मुझे 7 दिन में मरने का शाप मिला, अरे मैं तो एक क्षण भी जीने का अधिकारी नहीं हूं, मुझसे संत का अपमान हुआ। ब्राह्मण बालक चला गया। इधर महाराज ने अपने बेटे को हस्तिनापुर के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। महारानी ने पूछा, सरकार ऐसी क्या बात है कि अचानक से राजकुमार को राजसत्ता सौंप रहे हो, वन चलने का विचार है क्या? महाराज परीक्षित ने कहा, महारानी आओ तुमको मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बताऊं। कौन सा आश्चर्य सरकार? कहा सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का मैं तुमको ये बता रहा हूं कि आज से ठीक 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। महारानी हंसने लगी, वाह सरकार ये सांस अंदर गई है, ये आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं, और आप कहते हो कि आज के ठीक 7 दिन के पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी। तब महाराज ने कहा, हाँ इसलिए क्योंकि एक संत का साप है कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो। सारी बात बताई, राजपाट छोड़ करके पहुंच गए गंगा तट पर, और जब गंगा तट पर महाराज परीक्षित पहुंचे, गंगा स्नान किया, समझ
पूरे देश में बात फैल गई, समस्त ऋषि मनीषी पहुंच गए गंगा तट पर महाराज परीक्षित के पास। अरे महाराज परीक्षित अपने में कम भक्त भगवान के थोड़ी है। भृगुर वशिष्ठ जमनस गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो देवराज दुर्वासा भृगु अंगिरा जैसे कश्यप वामदेव गौतम 2500 संतों का समुदाय, चारों तरफ से सभी संत बैठे हैं, बीच में महाराज परीक्षित बैठे हैं। संतों ने महाराज से कहा, महाराज आपके पास आपके साथ ये हम संतों की तरफ से एक अपराध बन गया है, बड़ा अन्याय हो गया आपके साथ। महाराज परीक्षित मुस्कुराए, महाराज कौन कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, महाराज आपको 7 दिन में मरने का साथ दिया गया है। अरे परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज कौन कहता है कि मुझे श्राप मिला, फिर क्या है महाराज? महाराज परीक्षित कहते हैं कि गिरिजा संत समागम शम न लाभ कछु आन। महाराज आप जिसे सांप कहते हो ना, उसे तो मैं अपना वरदान मानता हूं कि आज उसी सांप के कारण आप जैसे संतों का दर्शन, मुझको इतने संतों का दर्शन एक साथ हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक जगह लिखते हैं रामायण में कि पुण्य पुंज बिन मिलही ना संता, यानी व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उसके सामने प्रकट होते हैं तब उसे संत का दर्शन होता है। और एक जगह लिखते हैं कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो किसी ने बाबा से कहा, बाबा एक बात बताओ, जब हमें किसी संत का दर्शन हो तो हम ये जाने कैसे कि ये हमारे पुण्यों के प्रभाव से इसका दर्शन हुआ है या हरि की कृपा से इनका दर्शन हुआ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने निराकरण किया। देखो रात्रि को भोजन इत्यादि करके जब विश्राम कक्ष में जाओ, बिस्तर पर लेटो, तो किसी से किसी संत दर्शन की लालसा मन में जागृत हो कि सुबह उठूंगा संत दर्शन को जाऊंगा, उसे क्रिया में लाओ, सवेरे स्नान ध्यान करके उस संत से मिलने गए, वहां जाकर के यदि उसका दर्शन आपको हो रहा है तो मान लेना कि ये पुण्य पुंज में, ये हमारे पुण्यों के प्रभाव से हमारे अंदर ऐसी अभिलाषा जागृत हुई तभी संत का दर्शन हुआ। और बिनु हरि कृपा शाम को लेटना, किसी संत का चिंतन भी मन में ना किया हो और सुबह दरवाजा खोला और किसी संत का दर्शन हो जाए तो ये मान लेना कि ये हरि की कृपा से इनका दर्शन हुआ है। महाराज आज तो हरि की कृपा से वो साफ मेरे लिए वरदान है कि आप जैसे संतों का एक साथ दर्शन मुझको हो रहा है। पर अब सभी संत विचार करने लगे कि महाराज को करना क्या चाहिए, महाराज के मुक्ति का उपाय क्या किया जाए, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि 9 दिन से कम हो नहीं सकता, तो महाराज के पास केवल 7 दिन का समय है। महाराज निर्णय नहीं हो पा रहा है कि क्या किया जाए। इतने में हमारे श्री कृष्ण की परम लाडले श्री किशोरी राधा जी के प्रमुख शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज जो कृष्ण की समाधि में बैठे थे, अचानक अंतर आत्मा में आवाज आई कि चल सुखदेव परीक्षित के पास। बस तत्ता भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया कामट मनोनपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास भगवत भगवान व्यास भगवान व्यास पुत्र मानो सुखदेव के रूप में साक्षात नारायण ही व्यास नंदन सुखदेव बन करके परीक्षित के पास जा रहे हैं। क्यों? महाराज परीक्षित भगवान के अनन्य भक्त, 2 बार महाराज
भगवान के इस भक्त के ऊपर संकट आया और दोनों बार उस संकट का कारण एक ब्राह्मण ही था। मातृगर्भ में अश्वत्थामा गुरु पुत्र ब्राह्मण के द्वारा शस्त्र से प्रहार किया गया भगवान के इस भक्त पर, तो मातृगर्भ में भगवान अपना चक्र लेकर यानी शस्त्र लेकर के गए अपने भक्त की रक्षा के लिए। और आज फिर एक ब्राह्मण के द्वारा उनके भक्त के ऊपर कष्ट आया है। आज इस ब्राह्मण ने वाणी का बाण चलाया है, तो आज मेरे ठाकुर वाणी से ही अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मानो व्यास नंदन सुखदेव बनकर स्वयं चल दिए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया कामट मनोनपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ पुष्टो व्रतश्च वारयनवदूत वेशा। दो अंगुल की लंगोटी है, कांधे पे मूंछ का जनेऊ है, अर्ध पुण्य त्रिपुंड तिलक धारण किए हुए मंद मंद चले जा रहे हैं मुस्कुराते हुए, निज लाभ तुष्टा हमेशा अपने में रहने वाले श्री सुखदेव जी। हजारों संत बैठे, निर्णय नहीं हो पाया, सुखदेव जी जा रहे हैं। सुखदेव जी कैसे हैं? हमारे पास दो हमारी बड़ी अमूल्य वस्तु है, एक हमारा हर्ष और एक विस्मान। हर्ष जो हमें प्रसन्न करता है, विस्मान जो हमें दुख देता है, ये दोनों बहुत कीमती है। आप कहो महाराज हर्ष तो कीमती है लेकिन दुख कीमती थोड़ी है। जितना हर्ष कीमती है ना उतने दुख भी कीमती है। क्यों? संजोग से आपके किसी प्रिय किसी बहुत खास रिश्तेदार का जवान बेटा खत्म हो गया हो, अब अगर आपके पास दुख नहीं है, आप वहां गए और प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो शायद रिश्तेदारी खत्म ही हो जाएगी फिर। इसलिए दुख की भी जरूरत है। ये दोनों आपकी वस्तु है लेकिन इन दोनों को आपने दूसरे के हाथ में दे दिया है महाराज। किसी ने आपका सम्मान किया, माला पहनाया, खूब सत्कार किया, तो आप हर्ष से भर गए। और किसी ने दो अपशब्द क्या कह दिया तो आपके मन में विस्माद हो गया। थी आपकी वस्तु लेकिन दूसरे के हाथ में आपने समर्पित कर दिया। लेकिन धन्य हमारे श्री सुखदेव जी महाराज, निज लाभ तुष्टा। कोई माला पहनाए तो कोई हर्ष नहीं, और कोई गालियां सुनाता रहे तो कोई फर्क नहीं, कोई विस्माद नहीं। पहुंच गए सभा में, सारी सभा खड़ी होकर के श्री सुखदेव जी महाराज का स्वागत करती है। और इस सभा में श्री सुखदेव जी के बाबा पर बाबा श्री वशिष्ठ जी ही बैठे हैं। लेख तो यहां तक मिलता है कि जब श्री सुखदेव जी को आते हुए महाराज वशिष्ठ ने देखा तो बड़ी लंबी लंबी जटाएं जो इनके पर बाबा है, इन्होंने अपनी जटाओं को उनके रास्ते में बिछा दिया कि श्री सुखदेव जी का चरण पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। चारों तरफ भीड़ थी, एक सिंहासन रिक्त था, वो इसलिए कि इस सिंहासन पर बैठने वाला ही महाराज के मुक्ति का उपाय बताएगा। चारों तरफ देखा, एक सिंहासन खाली देखा, उसी पर आकर के बैठ गए। उनके लिए तो जैसे सिंहासन वैसे जमीन पतन पे नहीं, बैठ गए। तुरंत महाराज ने चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। एक ही प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, महाराज अतः पृच्छाम संसिद्धि योगी परम गुरु। सारी व्यथा सुना दो महाराज, सात दिन में मरने का साप फैला है, मोक्ष का कोई साधन बताइए। सुखदेव जी मुस्कुराए, बड़ी मीठी वाणी में, एक तो बालक है और दूसरे पूर्व जन्म सुख रूप में जो श्री किशोरी गोलोक धाम में
नित्य धाम गोलोक धाम में जो श्री किशोरी जी के वाम हस्त पर बैठकर श्री कृष्ण का नाम सीखने वाले श्री किशोरी राधा जी के